महोबा से है, जहां ग्राम पंचायत सुपा के वरिष्ठ भाजपाई समाजसेवी ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी सरकार के 6 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रामीणों को उपलब्धियां गिनाते हुए ग्राम में सभी लोगों को मिलकर जन समस्याओं को सुना और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आप लोगों की समस्या का हल बहुत ही जल्दी किया जाएगा। इसमें मुख्य तौर पर जनता ने बिजली से संबंधित शिकायत की और बताया कि विद्युत विभाग के आला अफसर गांव में आकर दबंगई दिखाते हैं और विद्युत बिल भी अपने मन का भेजते हैं, जिस पर सिंह बाहर ने भरोसा दिलाते हुए बताया कि आप लोगों के विरुद्ध विद्युत सही किए जाएंगे और जो भी समस्याएं उनका निस्तारण किया जाएगा। धर्म नगरी चित्रकूट से है, जहां आज अयोध्या और बनारस की तरह श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि आज सोमवती हरियाली अमावस्या में धार्मिक नगरी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सांसद आर के सिंह पटेल ने बताया कि सोमवती अमावस्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं, जिनके ऊपर हमारी सरकार ने आज विमान से पुष्प वर्षा की है। आज पहली बार चित्रकूट में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और कहा कि हमारी सरकार चित्रकूट के पर्यटन विकास के लिए धन दे रही है और महत्व दे रही है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पत्रकार पात्र है और साथ ही विमान से पुष्प वर्षा होने पर श्रद्धालुओं ने भी उत्साह दिखा और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री की सराहना की है। जहाँ पर उनका जो साम्राज्य है वो चित्रकूट के पावन धरा पर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए उनके ऊपर जो वर्षा उस पर विमान से की गई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उनकी पूरी टीम का माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम करते हुए सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। उन्होंने चित्रकूट के ऐतिहासिक विकास का भी काम किया है और ऐतिहासिक निर्णय लेकर के आज कुछ वर्षा करने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर चित्रकूट पर आए सभी श्रद्धालुओं को सादर स्वागत अभिनंदन वंदन है। जो भी यहाँ पर दुनिया के तमाम क्षेत्रों से, देश के तमाम क्षेत्रों से, देशों से जो श्रद्धालु आए हैं उनका चित्रकूट सुपावन धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, उनको सादर प्रणाम है, नमन है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत अभिनंदन वंदन कर रही है। चित्रकूट की पावन धरा पर उनका सबका स्वागत अभिनंदन वंदन है। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। नरेंद्रनाथ सरकार को प्रणाम, कांतानाथ सरकार के लिए इतने श्रद्धालु ये सोमवती अमावस्या श्रावण मास की है और मल मास का भी इसमें अधिक मास का भी प्रारंभ होने जा रहा है। इसके दृष्टिगत जो हमें आशा थी पहले से थी, लगभग जो है उससे अधिक भीड़ ही रही है। पूरा मेला क्षेत्र, परिक्रमा क्षेत्र और राम घाट विभिन्न सेक्टरों में बटा हुआ, राजपत्रित और राजपत्रित अधिकारी पूरे रेंज और जोन से अतिरिक्त फोर्स आया है और पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट किया है। भीड़ यद्यपि है उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालु आकर स्नान करके दर्शन करके यहाँ पे मत गजेंद्रनाथ जी के और फिर परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। जी आज जो है पुष्प वर्षा का कार्यक्रम था, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं उनपे जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की गई है। इसको दृष्टिगत खबर चित्रकूट से है, जहां सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत परिवहन विभाग द्वारा जन प्रतिनिधियों से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। बता दें इस बीच यातायात नियमों का पालन कराने हेतु शपथ दिलाई गई और पंपलेट भी बांटे गए। मौके पर सांसद प्रतिनिधि समेत एआरटीओ विवेक कुमार शुक्ला सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। करवी बेड़ी पुलिया के पास बने बस स्टैंड से रथ को रवाना किया गया है। हम लोग पूरे 15 दिन तक सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्य करते रहेंगे। हमारा थीम रहेगा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसके लिए हम हमारे जनप्रतिनिधि और इस चित्रकूट की जनता हम सभी मिलकर कार्य करेंगे और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा। खबर बांदा जिले से है, जहां पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बांदा को लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव का एक निवासी भू माफिया दबंग किस्म का व्यक्ति है, जो कि आम रास्ते पर अवैध रूप से भवन निर्माण करवा रहा है। ग्रामीणों के रोके जाने पर गाली गलौज और मारपीट की धमकी दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भू माफियाओं के द्वारा शासन के आदेशों का बार बार उल्लंघन कर रहा है और साथ ही 2 बार भवन निर्माण कर
तारबाड़ी से घेरवार और अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे हटाए जाने के लिए जिलाधिकारी को लिखे शिकायत पत्र ग्रामीणों ने दिया है। क्या क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं फतेहगंज गढ़वा मानपुर कर्माटाड़ी। और किस तरह की समस्या लेकर के आप लोग आए हुए थे? हम एक अतिक्रमण की समस्या लेके आए हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहा है। कौन कर रहा है वो? चंद का और उसके नंद किशोर, उसका पुत्र है और एक पुत्र और है छोटा। वो 4 महीने से एक घर पहले बना लिया पैसे ले दे के लेखपाल और प्रधानों के द्वारा, बड़ा घर बना लिया 2-3 बिस्वा का। 2 बीघे जमीन पड़ी है, रास्ता नंबर है 960। हाँ, 2 बीघा 1 बिस्वा बन रहा है, बीच में बना लिया, अब साइड में सबसे सामने बना रहा है। मैं पूरा अतिक्रमण कर लूँ। 24/4/2023 को हमने थाना अध्यक्ष को दिया, घर बना रहा था उसको रुकवाया गया। इसके बाद फिर वो उसने 1 महीने पड़ा रहा, इसके बाद भी चालू कर दिया बनाना, फिर रुकवाया गया घर। शासनादेश तहसील द्वारा और SDM द्वारा और पुलिस बल द्वारा, इसके बाद 15 तारीख शनिवार घूस दबंगों ने, उस दबंगों द्वारा घूस देकर थाना और सभी जगह लेकर और तो देकर अपना कार चालू कर दिया। 20 लेबर और 8 मिस्त्री हर 20x20 का कमरे बना रहा है। तो हमारी ये कहना है कि सरकार जब अवैध अतिक्रमण हटा रही है योगी सरकार, तो अतिक्रमण क्यों यहाँ के अपने गढ़वा मानपुर के जो हैं तो क्यों करने देते हैं शासन प्रशासन? तो क्या ये दबंग लोग हैं? बिल्कुल दबंग लोग हैं। उसका जांच किया जाए कि कितने घर कहीं दूर पर रहने गाँव पर रहने वाला है, रोड में अतिक्रमण कर रहा है। यानी अधिकारियों के मिली भगत से बना? जी। उसके पास जमीन है, जमीन किस तरह से आप लोगों को समस्या होती है वहाँ पर? इस तरह से समस्या हो रही है कि और 2 बीघे जमीन साहब सबके लिए होती है, थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो कम से कम घूर कंडा कोई लकड़ी अपना बसर कर सकता है। क्या वहाँ से निकलने के लिए आप लोगों की रास्ता भी है क्या? रास्ता भी है, RCC पड़ी है, पक्की रोड भी है। जो अवशेष भाग में जमीन पड़ी है 2 बीघे, उसमें पूरे में तार बाड़ी ईंटा गुम्मा से पूरा घेरवा दिया है और घर भी बना है 2 बीघे में, खपड़ाइल बना लिया है पक्की दीवार करके जल्दी में। यानी ये आम जमीन है पड़ी? जी, रास्ता नंबर है साहब, और रास्ता नंबर है, कई बार शासनादेश में अभी आप लोग यहाँ डीएम के पास आए, दोबारा आ गए DM के पास। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? 11 तारीख 5वां महीना किस तरह से आश्वासन मिला है आप लोगों को? दिया गया कि अतिक्रमण हटेगा नहीं, उसके पास बुलडोजर चले। खबर बांदा से है, जहां चकबंदी के कार्य में घोर अनियमितता सामने आई है। वहीं चकबंदी विभाग की कार्यशैली से परेशान ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग के लेखपाल पर घूसखोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी लेखपाल पैसे लेकर लोगों के चेक बना रहा है। वहीं चकबंदी लेखपाल द्वारा पैसे लेकर लोगों को अधिक मालियत वाली जमीन पर दी जा रही है और पैसे देने में असमर्थ गरीब लोगों का काम मालियत बंजर जमीनों पर चेक दिए जा रहे हैं। छपटिया खुर्द, क्या है मामला? चकबंदी के लिए आए सर, जो हमारे खेत हैं तो इधर उधर कर दिए गए हैं, जहाँ पे हमारा नंबर होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, और जिससे रोड पे हमारा खेत है तो बीच में कर दिए, किनारे कर दिए, आउट एरिया पे कर दिए हैं। कितने लोग हैं ऐसे परिवार? लगभग 40 से 45 लोग हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, जहाँ पे हमारा खेत होना चाहिए वहाँ पे हो या बीच स्टे हो। तो आज कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? DM साहब के पास आए। DM साहब से मुलाकात हुई? नहीं हुई। क्या इंतजार कर रहे हैं सर, DM साहब से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद ने सरीला विकास खंड के मनरेगा कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन देते हुए बताया कि रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मचारियों का वेतनमान लागू किया जाए, साथ ही मानदेय में वृद्धि की जाए। वही मनरेगा कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिजनों को आर्थिक लाभ और नौकरी दी जाए और ग्राम पंचायत सचिवालयों में मनरेगा सेल की व्यवस्था की जाए।
जिले के महाकर्मचारी महासंघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। इसमें सबसे पहली मांग है कि सभी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए और इनका जो ईपीएफ की धनराशि काटी जा रही है वो जमा नहीं की जा रही। तो हम चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि हमारी धनराशि जमा की जाए। और रोजगार सेवकों को सम्मेलन माननीय जी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जमा करवाएंगे धनराशि एचआर पॉलिसी की, वो उन्हें जमा करिए। दुर्घटना बीमा का लाभ मिलना चाहिए, दुर्घटना का लाभ नहीं मिल रहा, मानदेय वृद्धि भी नहीं हो रही है इस सरकार में, तो मानदेय की वृद्धि के लिए मांग की गई। क्या आश्वासन मिला है? वीडियो साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, जो भी वहाँ से आश्वासन मिलता है वो बताएं। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद के सरीला नगर में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन श्री सलेश्वर धाम मंदिर में सावन माह के द्वितीय सोमवार को सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं सैकड़ों कांवड़ियों और भक्तों ने लगभग 20 किलोमीटर दूर चमन ऋषि आश्रम के पास से निकली बेतवा नदी से जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बता दें कि मंदिर समिति ने मंदिर से सुरक्षा हेतु बैरिगेटिंग और साफ सफाई समेत पानी की व्यवस्था तेज कर दी है। साथ ही भक्तों को जल भरने के लिए नगर के विभिन्न स्थानों पर नगर पंचायत द्वारा साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस की कार्य शैली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कभी पीड़ित को बेवजह मारपीट देना, कभी किसी को थाने से भगा देना। वहीं ताजा मामला रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बाहर न्याय की आस में आए पीड़ित का है, जहां आरोपियों ने पीड़ित को बातों में बैला फुसलाकर पीड़ित द्वारा सुपरमार्केट स्थित एसडीएफ बैंक से निकाले हुए पैसों को हड़प लिया। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत मिल एरिया में की और मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर दिया, लेकिन इतने दिन हो गए, इतने दिन बीतने के बाद भी युवक को अभी तक नहीं पकड़ा गया और न ही रुपए बरामद किए गए। राधे श्याम जय स्वामी। कहाँ से हैं? दोता नगर गांव है हमारा, थाना सूरजगंज जनपद अमेठी पड़ता है। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारा लड़का 1 जुलाई को यहाँ आया था, तो सांवरिया दिन में हमारा गेहूँ आता है, हमारा आधा का काम, तो यहाँ से उसको चेक मिली थी, तो यहाँ ये HDFC बैंक में सुपर मार्केट के पास हमें कैश करवाया। उसको मंडी में पैसा जमा करना था, तो 4,51,200 रुपये उसने कैश करवाया और लेके जा रहा था, बाइक से था, तो डिग्गी में रख लिया था पैसा। और जब यहाँ से मलिक मऊ पहुँचा, जो ये ओवरब्रिज का पहले इधर का हिस्सा है उससे थोड़ा पहले पहुँचा, तो किसी ने उसके ऊपर जो है कोई पाउडर सा डाल दिया, तो खुजली सी होने लगी, तो रुक गया। रुकने के बाद शर्ट वर्ट निकालने लगा, सब निकाला, तो निकाल के हाथ पाँव मुँह धोने के लिए एक हैंड पाइप वहाँ गया, तो एक तीन लड़के जो हैं एक बाइक से आए वहाँ रुके, तो उसी में से एक लड़का जो कहा भाई साहब क्या है, तो बताया उसने, तो कहा चलो हम हैंड पाइप चला दें, तो वही हैंड पाइप वो चलाने लगा और वो दोनों लोगों ने पैसा निकाल लिया, वो जाना नहीं उसमें पड़ गया। शिकायत की आपने इसकी? अरे इसकी शिकायत उसी दिन हमने FIR करवाई मिल एरिया थाने, और तीसरे दिन हम थाने भी आते हैं और बता देते हैं कि जांच हो रही है और जल्दी ही वर्कआउट करेंगे, यही बता देते हैं। कोई कार्यवाही नहीं हुई अभी? कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज कहाँ है? तो आज हम SP ऑफिस से एसपी साहब से मिलने आए। क्या आश्वासन मिला आपको? अब वो तो कुछ हमको बोले नहीं, थे थाने जाओ। राधे श्याम।